मैडम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप रामपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं फास्ट वे गोस्वामी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें जो है आज पहली बार रूबरू होने का मौका दिया, और आपका हमारे साथ सहयोग रहता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज आप कह रहे हैं कि रामपुर की जनता के लिए संदेश, तो रामपुर की जो जनता है उनके लिए एक संदेश रहेगा कि इस बार हम आम आदमी पार्टी से हैं, और आम आदमी पार्टी से इस बार बहुत मौका हो गया, बीजेपी को दिया, कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन इस बार जो है रामपुर की जनता से अपील करता हूं कि आम आदमी पार्टी को एक बार एक मौका ज़रूर दें। और साथ ही साथ यदि विकास की बात करें तो रामपुर के अंदर यदि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाती है तो रामपुर के अंदर भी अवश्य वो कार्य होंगे जो आज तक जो है हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि ने जिन पे जो है गौर नहीं किया, उनको हम प्राथमिकता देंगे। और यही अपील करता हूँ कि रामपुर बुशहर की जनता प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, सारे जो है जितने भी चाहे आप छोटे से छोटे किसान की बात कर लो, आज सभी जो लोग हैं वो जो है वो प्रताड़ित हैं, दुखी हैं सरकार से। इसीलिए ये अपील रहेगी कि एक मौका आम आदमी पार्टी को अवश्य दें। अच्छा, जैसे कि आपने पहले भी, मुझे मालूम हुआ, जैसे कि आपने पहले भी नरेंद्र वार्ड से जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, उसमें आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, जिस तरह से हमने जिला परिषद का वार्ड नंबर 3 अपने नंदकरी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, उसमें लोगों के बीच हम गए और लोगों के बीच हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, लोगों के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुनना, वहाँ पे उनका प्यार बहुत लोगों का मिला और लोगों ने अपना प्यार जो है बखूबी दिया। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना जो है सहयोग मुझे दिया, और उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सहयोग दिया। और साथ ही साथ ऐसे कई लोग थे जिनकी वजह से आज जो है मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मैं सभी का पूरे वार्ड की, वार्ड नंबर 3 की जनता से और नंदकरी की पूरी जनता से उनका मैं धन्यवादी हूं, और उनसे अपील भी करता हूं कि नंदकरी क्षेत्र से आप देख रहे होंगे अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं, अभी पिछले जो है 70 सालों में जितने भी चुनाव हुए, नंदकरी को कहीं ना कहीं एक जो है वो दर्जा नहीं मिल पाया है उम्मीदवारी दिखाने का। तो इस बार अच्छा मौका है, यदि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भी रहेगा फैसला, देखिए हमें किसी पद की उससे नहीं जुड़े हैं, हम सिर्फ विचारधारा से जुड़े हैं। अच्छा, आने वाले समय में आपकी पार्टी से क्या आने वाला समय MLA के लिए चुनाव लड़ेंगे आप? जी बिल्कुल, अवश्य, यदि शीर्ष नेतृत्व हमें मौका देती है तो हम अवश्य लड़ेंगे। ये जिसे भी मौका मिलेगा, यदि हमें मौका मिलेगा तो हम लड़ेंगे, किसी और को मौका मिलेगा तो भी हम साथ खड़े हैं, लेकिन हम जो है अवश्य चुनाव लड़ेंगे। और जो भी हमारी रामपुर बुशहर की जनता है उनके बीच जो जिस तरह से हमने, आपने कहा कि पहले भी आपने काम किए, और अवश्य हम जो है केजरीवाल जी की जितने भी जो भी गारंटियां हैं, अभी आप देख रहे होंगे 11 गारंटियां अभी हिमाचल प्रदेश को दी है, उन सभी को हम जो लोगों के बीच लोगों तक पहुँचाएँगे। आप MLA के उम्मीदवार हो सकते हैं क्या यहाँ से? देखिए, जिस तरह से जनता मौका देगी हम अवश्य, हमने पहले भी कहा कि ऐसे कहना थोड़ा सा, यदि हमें मौका मिलता है तो हम अवश्य लड़ेंगे, यदि शीर्ष नेतृत्व हमें जो है मौका देती है तो हम लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, काम करेंगे। जी, आपकी पार्टी के लिए आप पार्टी का कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा कि जो MLA के लिए आप खड़ा कर रहे हैं? देखिए, इस पे कहना थोड़ा सा अभी मुझे नहीं लगता कि इस पे कुछ ज़्यादा मैं चर्चा कर पाऊँगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी जो भी जितने भी हम संगठन में काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, किसी को पर्टिकुलर कहना ये हम नहीं कह सकते कि इससे टिकट मिले या मुझे टिकट मिले या किसी और को टिकट मिले, लेकिन इतना अवश्य है कि जो संगठन के लिए अच्छा काम करेगा, संगठन के लिए जिसका वर्चस्व होगा, जनता के बीच, पब्लिक के बीच जिसका अच्छा वर्चस्व होगा, उसको शीर्ष नेतृत्व जरूर देखेगी। और शीर्ष नेतृत्व वैसे भी आपको पता है सर्वे चल रहे हैं, और अवश्य जो है सही निर्णय होगा, ये हमको पूरा विश्वास है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि अवश्य ही जो भी जो निर्णय होगा उस पर कोई भी संदेह हमें नहीं होगा। थैंक यू सर, आपसे बातचीत करने के लिए।